जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बिच्छू और संत जी महाराज में क्या अंतर है? बिच्छू का स्वभाव का उग्र होता है, वह सदैव दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। संत महाराज जी का स्वभाव से शांत होता है, वह दूसरों को कल्याण करते हैं। बरसात का दिन था, एक बिच्छू नाले में तेजी से बहता जा रहा था। संत जी महाराज ने बिच्छू को नाली में बहता देख अपने हाथों से पकड़कर बाहर निकाला। बिच्छू ने अपने स्वभाव के कारण संत जी महाराज को डंक मारकर नाले में फिर से गिर गया। संत जी ने बिच्छू को फिर अपने हाथ से निकाला। बिच्छू ने संत को फिर डंक मारा। ऐसा दो तीन बार हुआ। पास ही वैद्यराज जी थे, वह संत को देख रहे थे। वैद्यराज जी दौड़ते हुए आए। उन्होंने बिच्छू को एक डंडे के सहारे दूर फेंक दिया। संत जी ने कहा, आप जानते हैं बिच्छू का स्वभाव नुकसान पहुंचाने का होता है, फिर भी आपने उसको अपने हाथों से बचाया, आप ऐसा क्यों कर रहे थे? संत जी महाराज ने कहा, वह अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, तो मैं अपना स्वभाव कैसे बदल सकता हूँ? दोस्तों, यह कहानी से हमें सीख मिलती है, विषम परिस्थितियों में भी अपने स्वभाव को नहीं बदलना चाहिए। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।